ये मैंने भी पहनी है। सियाने कहते हैं कि दिल को रास्ता मैदे से जाता है, लेकिन जो रास्ता आज मैंने चुना है वो पेशावर सदर में एक खूबसूरत मस्जिद, सुनहरी मस्जिद के बिल्कुल करीब एक फूड स्ट्रीट, जहां हर तरह के जायकों के साथ साथ दिल के खूबसूरत लोग भी मिलते हैं। दिल भी खुश और मैदा भी खुश। आज पहुंचते ही बारिश आ गई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद थम गई। अब मौसम भी जबरदस्त, तो चलिए चलते हैं फूड पैराडाइज में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉल पेशा बाय आतिफ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा का दिल पेशावर, पेशावर का दिल पेशावर सदर, और पेशावर सदर का दिल पेशावर फूड स्ट्रीट, और फूड स्ट्रीट में हमारा दिल। इस सीज़न बहुत ज़्यादा भीड़ है, पिछले सीज़न ही मैंने रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन इस बार जो मुझे माशाल्लाह यहाँ पे जमे गफीर और आवाम का रश यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वाकई में अफ्तारी के रंग पेशावर फूड स्ट्रीट में पूरे के पूरे मिलते हैं। कैसे चाचा जी, ठीक है ना? चाचा जी को मैंने पूछा कि अफ्तारी के रंग यहाँ पूरे मिलते हैं, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो वाकई में, और ये था कि जैसे मैं यहाँ एंटर हुआ तो बारिश आने लगी, मैंने सोचा यार शायद थोड़ा सा काम ख़राब हो, बारिश की वजह से नहीं रहमत है, लेकिन शायद रिकॉर्डिंग वैसी ना हो पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बारिश रुक चुकी है और हम अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं, तो जुड़े रहिए। बिल्कुल शुरुआत में ही ये वाले भाई मुझे मिले हैं और इनके पास चावल का देख है, चावल बेचते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि चावल इनके पास किस भाव के हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा पहले दिखा दे मुझे चावल, देख में दिखा दे ज़रा। वाह ज़बरदस्त, मज़ेदार। और बता दें प्लेट कितने की देते हैं? 200 वाला प्लेट भी है, 150 वाला भी है। ठीक हो गया, और अफ्तारी तक काम बन जाता है? चलो माशाल्लाह। साथ में ही हमें मिल गई है रसमलाई और चना चाट, तो इसका भी पूछते हैं भाई साहब से, ताकि अगर आप लोग आओ, पता नहीं आप दुनिया के किस कोने से आप देख रहे हैं, लेकिन रेट आपको पता चले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। रसमलाई का मुझे बता रहे गिलास के हिसाब से कि प्लेट के हिसाब से? दाने के हिसाब से। दाने के हिसाब से। किसके हिसाब से? दाने के हिसाब से। 60 रुपए का एक दाना। 60 रुपए का एक दाना, ठीक है। और इसमें छोटा बड़ा दाना होता है? एक ही। अच्छा एक ही होता है, ठीक है। और ये खत्म हो गया, ये खीर खत्म। खीर की, खीर किस तरह किलो? किलो 480 रुपए। 480। और ये भाई वाले प्लेट? ये बड़ा प्लेट 100 रुपए, छोटा प्लेट 50 रुपए। ये बिल्कुल पहले वाले हिस्से से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस तरफ ट्रैफिक का भी रश है और लोगों का भी रश है, तो उसकी वजह से शोर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आगे देखते हैं और हमें क्या कुछ मिल जाएगा। वहाँ तो मेरे ख्याल में छोले वाले बाबा हैं, वो छोले बेच रहे हैं, और यहाँ पे भी हैं भाई साहब, इनसे थोड़ा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रोजान कैसे हैं? ठीक है। प्लेट किस तरह दे रहे हैं? 50 की। सही बना रहे हो, चलो ज़बरदस्त, मेहरबानी। चपाती बन रही है गाइस यहाँ पे, चपाती। क्या हाल है बच्चे, ठीक हो? आप लोगों के पास है चाचा, क्या हाल है? ठीक हो? चपाती किस तरह? एक 25 रुपए, और सही मज़ेदार। चलो साथ में तंदूर भी है वैसे, ठीक हो गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता और करारा वाले दही भले हैं, तो भाई साहब से पूछते हैं इसका प्राइस भी। भाई साहब मुझे बताएं कि दही भले की प्लेट किस तरह देते हैं? 120 रुपए। और उसमें छोटी बड़ी प्लेट होती है?
बड़ी 200 की है और मज़ेदार बना देते हो। बहुत बेहतरीन मुरब्बा, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक है, बता देना मुझे मुरब्बा किलो के हिसाब से क्या है? 800 रुपये का और 400 का आधा किलो। ठीक हो गया, बहुत बेहतरीन। मैं मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा 700 में। ठीक है, मैं आपकी गली में निकल के वापसी मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ग्रिल व्रिल बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल। किस हिसाब से दे रहे हैं आप ग्रिल? 900 रुपये दाना जी। 900 रुपये दाना और हाफ भी मिल जाता है या पूरा? मिल जाता है। तो 450 का फिर हाफ मिलेगा। और सब्जी 900 रुपये? अच्छा, यही है, इसी का ग्रिल है। ठीक है, ग्रिल बन जाएगा। ठीक है, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। टिक्के शिक्के, चिकन रोस्ट किस तरह पीस दे रहे हैं? 250। अगर दो लेंगे तो 500 के। ठीक है, कैसे सही टिकता की उर्दू नाराजी? हाँ, कढ़ाई पसंद है काका? अच्छा गैस, कढ़ाई जो है वो 1000 रुपये का काका, 10 शे जुड़े। ये सीख कबाब, सीख कबाब बन रहे काका। देख कढ़ाई का सोना 300 रुपया। 300 रुपये ये, और ठीक हो गया, ठीक हो गया, यही काम है। ज़बरदस्त चाचा, बहुत मेहरबानी। और ये सीख भी है यहाँ पे? ये 20 रुपया। हाँ, ये कितने का? 300 का। अच्छा, 50 रुपये सीख है। चुका है लेकिन बताया गया जो मीठी वाली है वो 70 की है कि वो 80 की है? मीठी वाली 80 की है और नमक वाली 70 की है। अच्छा, नमक वाली 70 की और मीठी वाली 80 रुपये की है। बहुत ही खूबसूरत इनकी प्रेजेंटेशन देखे हैं यहाँ पे। समोसे, पकोड़े, जलेबी, पेटीज़ वगैरह का बहुत ही ज़बरदस्त रश। और वैसे जो हल्की पुल्की ग़ज़ा है वो ज़्यादातर लोग खरीदारी करते हैं, जैसे कि पकोड़े यहाँ पे। चाचा, हलीम पैकेट पसो? 100 रुपये। गैस हलीम चाचा के पास बहुत ही ज़बरदस्त 100 रुपये की प्लेट है। तो यहाँ पे जो आपकी गार्निशिंग देखते हैं ये रहते हैं, बात करते हैं साथ में, ये रही हलीम। अभी शाम के 6 बजने में थोड़ा सा टाइम है और 6:30 बजे अफ्तार यानी अजान हो जाती है, लेकिन इतना जमे गफीर, इतना रश आवाम का यहाँ पे कि चलना मुश्किल हो गया है। कोई टांग से लग जाता है तो कोई कंधे से लग जाता है। यकीन करें, बड़ा अच्छा खासा टफ जॉब है इस रश को मैनेज करना, रिकॉर्डिंग को मैनेज करना और फिर बातचीत करना। बहुत सारी दुकानों पे बहुत ज़्यादा रश भी होता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना पॉसिबल है मैं उसको कवर कर सकूँ, आप लोगों के सामने ला सकूँ। शामी कबाब है, दही भले, चिकन रोल है और कीमे भरे समोसे हैं। ठीक हो गया, ठीक है, ज़बरदस्त। गाइस, इंशाल्लाह 15 रमज़ान के बाद यहाँ पे फूड स्ट्रीट में एक आफ्टर इफ्तार व्लॉग बनाएंगे। मेहरबानी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल चाल है? ठीक है। एक कबाब किस तरह किलो दे रहे हो? 640। इधर तो रेट काबू है, नहीं तो 900 रुपये किलो चल रहा है पिशावर में। सही है, इफ्तारी के बाद आप जब व्लॉग बनाएंगे खाएंगे मज़े से। रश की जो हालत है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे बादल आ जाते हैं आसमान के ऊपर, तो कहीं से बादल छट जाते हैं और कहीं पे रहते हैं। तो अभी कुछ कुछ जगह खाली हो रही हैं, कुछ कुछ जगहों पे रश बरकरार है अभी तक, और शायद अजान में अभी रह गए 20 से 25 मिनट। मैं एंड पे ही आ चुका हूँ और यहाँ पे भी मुख्तलिफ किस्म की फूड आइटम जो है वो बिकती हैं, तो चेकआउट करते हैं यहाँ पे भी। एक भाई मिले हैं जो कि फ्रूट चाट बेचते हैं, पिछले साल इनके भाई के साथ मेरी बातचीत हुई थी, इस साल इनके साथ। तो अभी बता रहे हैं मैंने तो ख़त्म कर दिया, आप लेट हो गए। मैंने अब मैं क्या करता, पीछे बहुत सारा कंटेंट था, बहुत सारे आइटम थे वो भी कवर करें। क्या ले? तुम माशाल्लाह इस मार्केट में सबसे पहले ख़त्म करते हो है ना, माशाल्लाह। अभी एक सवाल पूछूं, रोज़ा रोज़ा कौन सा रोज़ा था आज? सत्ता। ठीक बताया, आपको गुड इनाम जाता है।
हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक ठाक मुरब्बा, क्या हो गया? हाँ चले जाओ चले जाओ, उनको पूछ रहे मैं कह रहा हूँ चले जाओ। हाँ भाई मुरब्बा किलो? ये मुरब्बा 600 का। माशाल्लाह खिले खिले चाह रहे हैं, देखो माशाल्लाह। खजूर है? खजूर है, बहुत खजूर है। ईरानी है? ईरानी है। ईरानी है। किलो कितने का है अभी? 650। हाँ ठीक हो गया। और वो वाले चॉकलेट वाले? चॉकलेट वाला है। हाँ ये 800 का। काम सही चल रहा है? शुक्र है जबरदस्त। इस बार तो गर्मी बड़ी कम है, वैसे सर्दी है। आपने भी वास्कट वास्कट वो देखो कैसे छुपा हुआ है। पठानों का निशान है ना? हाँ ना, ये मैंने भी पहनी है। वो बाइक को देखो ऐसे जैसे मरी में आया है। ये बहुत खुश है, मौसम अच्छा है, बहुत खूबसूरत मौसम है। वल्लाह यकीन करो, हम कहते हैं 2 दिन भी रोजा रख लेंगे अभी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लगे हुए कुछ तो कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सिंगे खी, ठीक ठाक है? लस्सी माशाल्लाह ताकत दुकान जुड़ कर है। हाँ माशाल्लाह गए, लस्सी का इनका सेटअप है। आ गिलास पर 120 रुपए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? 20 रुपए पिछली सीजन से आज इस दफा बढ़ गया। अच्छा तो आज अभी प्लेट कितने की है? 120 की है। 100 की का? हाँ अभी 120 का हो गया। चलो ठीक है, इतना फर्क नहीं है, खैर है। हमने इतना फर्क नहीं लाए हुए, बहुत जबरदस्त बहुत है। पहला नंबर जो था बहुत कम होता था, अभी कम होता है, अभी थोड़ी वो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। इफ्तारी की रश और रौनक यहाँ से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लोग जो थे पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अब तकरीबन इफ्तारी में 10 मिनट ही रह गए हैं। कोई टेंशन नहीं है, इफ्तार फूड यहीं पे ही हो जाए, कोई इशू नहीं है, बहुत सारा है तो 10 मिनट रहते हैं। अभी भी खासी आवाम मौजूद है फूड स्ट्रीट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तारी आज स्टेशन के ऊपर ही होगी। भाई साहब इलेक्ट्रिक चेयर ऊपर आ रही है तो वो यहाँ से नीचे जा रहे थे।